व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोज किचन घी, क्योंकि एक लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स भारी मात्रा में होते हैं। किमोज किचन घी शुद्ध ऑर्गेनिक बिना मिलावट के देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोज किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोज किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की डूबकर हुई मौत। डोंबिवली के लेबर कैंप में लगी आग, एक की हुई मौत, एक हुआ जख्मी। मालवनी चर्च के पास लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। कलवा में गैस सिलेंडर के विस्फोट से 2 घर हुए क्षतिग्रस्त, एक लड़की हुई जख्मी। रफीक कामदार, हिंदुस्तान डेली रिपोर्टर की एचआर तेज खबरों में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली एचआर तेज खबर पुणे के मुलसी तहसील से है। यहाँ पर कोलवन के पास एक वालेन गांव है। वालेन गांव में एक झरने में महिला कपड़े धोने गई थी, पूर्णिमा शंकर लाईगुड़े। पूर्णिमा का पैर फिसल गया, वो झरने में गिर गई। माँ को गिरता हुआ देख पूर्णिमा की तीनों बेटियां अंकिता शंकर लाईगुड़े, अर्पिता शंकर लाईगुड़े, राजश्री शंकर लाईगुड़े, इन तीनों ने झरने में छलांग लगा दी, मगर माँ को बचाने के चक्कर में ये तीनों भी डूबने लगी। वहीं ये खबर इनके पिता शंकर लाईगुड़े को पता चली तो वैसे ही वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने भी इस झरने में छलांग लगा दी, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था और इन पांचों की इस दर्दनाक घटना में डूबकर मौत हो गई। हमारी दूसरी खबर डोंबिवली के मानपाड़ा परिसर से। मानपाड़ा परिसर में रुनवाल बिल्डर्स का काम चल रहा है। एक हाई राइज इमारत का काम करने वाले कई मजदूरों के लिए यहाँ एक लेबर कैंप बनाया गया है। रविवार को अचानक इस लेबर कैंप में आग लगी। आग लगने के निश्चित कारणों का पता नहीं चल पाया, मगर इस आग के कारण एक मजदूर की मौत हो गई तो एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं इस लेबर कैंप में बसे हुए कई मजदूरों का संसार भी इसमें ध्वस्त हो गया है। आग के कारण पूरा इनका संसार जो है जलकर राख हुआ है। वहीं दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पा लिया और कूलिंग का काम किया जा रहा है। हमारी तीसरी खबर मुंबई के मलाड मालवनी परिसर से। मालवनी चर्च के पास रविवार को अचानक आग लगी और आग लगने के बाद फौरन फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। किस तरीके से यह आग लगी हुई थी वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी चौथी खबर कलवा से है। कलवा के घोलाई नगर परिसर में अहिल्या देवी चाल है। यहाँ पर शनिवार को एक मकान में सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। काले नाम के परिवार है और अरुण आयवले नाम का परिवार है, इन दोनों परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए। वहीं आश्लेषा काले नाम की 16 वर्षीय युवती इसमें घायल हुई है। किस तरीके से यहाँ पर सिलेंडर विस्फोट के बाद की स्थिति थी उसका वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये थी हमारी आज के एचआर तेज खबरें। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली एचआर तेज खबरों के साथ।